अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। आज की ये वीडियो स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो सीट्स अनाउंस की गई हैं उनमें से असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट से रिलेटेड सिलेबस आपके साथ शेयर करने के हवाले से बनाई जा रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैडर जो है, इसमें जैसा कि आपको मालूम है कि कोई एक डिग्री की स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसके लिए जनरल डिग्रीज जो हैं वो रिक्वायर की गई हैं। तो इसका पेपर जो है उसमें काफ़ी डाइवर्सिफाइड फील्ड से क्वेश्चंस आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये सीट, और इससे रिलेटेड जो सिलेबस आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ वो बेस कर रहा है प्रीवियसली हेल्ड एग्जाम्स के ऊपर, जो कि डिफरेंट फोरम्स की तरफ से कंडक्ट किए गए हैं, खास तौर पे एनटीएस की तरफ से, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो एग्जाम्स हैं वो प्रीवियसली एनटीएस की तरफ से मुनाकिद किए जाते थे। तो जो पास पेपर्स हुए हैं उनकी बेस के ऊपर अगर उसी सिलेबस को आगे लेके चला जाए तो वो क्या था वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करता हूँ। उम्मीद है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो पेपर है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये 200 नंबर का होगा और ये एक एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा। इसके लिए टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स है, या कह लें कि 120 मिनट्स है, और इसी में आपने इसको अटेम्प्ट करना है। और नेगेटिव मार्किंग जो है वो एप्लीकेबल होगी, नेगेटिव मार्किंग की सूरत में 0.25 जो है वो डिडक्ट होंगे अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उस्ताद जी ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसका पैटर्न कुछ इस तरह होगा कि इंग्लिश के क्वेश्चन जो हैं वो 20% होंगे, फिर 20% करंट अफेयर्स, जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस 20% होंगे, सोशियोलॉजी जिस तरह के मैंने स्टार्टिंग में भी बात की है कि इसमें किसी एक डिग्री की स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसमें जनरल डिग्री रिक्वायर की गई है और ये डिफरेंट फील्ड्स को टच करते हुए इसका पेपर बनाया जाएगा, ताकि जो डिफरेंट एरियाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको इसका एज रहे और जो सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़े हैं उनको किसी ना किसी हद तक उन सब्जेक्ट्स में से पेपर आए। तो सोशियोलॉजी का 10% इसमें शेयर होगा, फिर मैथ्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड 16% क्वेश्चंस आएंगे, और इकोनॉमिक्स जो है ये 20% पे कंप्राइज करेगी। ये पैटर्न जो है ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि प्रीवियस एग्जाम्स को देखते हुए लिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो पास्ट एग्जाम्स हैं वो इस पैटर्न के तहत मुनक्कद होते रहे हैं। फिर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड 20% जो है वो पेपर आएगा, लॉ जो है वो 10% कवर करेगा, इस्लामिक स्टडीज 10%, एनालिटिकल रीजनिंग, इन बड़ी बड़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं और ये एक मेजर चंक होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पेपर में, और इसको सॉल्व करना टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। अगर आपको इसके ट्रिक्स आते हैं तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा लिवरेज दे सकता है। ये पार्ट 24% होगा। उसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जो कि 30% होंगे, और कंप्यूटर में स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग और डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये था सिलेबस का जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस असिस्टेंट डायरेक्टर BS-17 जनरल कैडर जो है उसके लिए मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे उस्ताद जी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपडेट हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस तरह की अदर वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बल्क अमाउंट में डाटा हमारे चैनल पे मिल सकता है। हम आने वाली वीडियोस में पास पेपर्स को भी शेयर करेंगे और इसमें जो एग्ज़ाम्स का सिलेबस है वो भी हम आपके साथ उन पे बेस क्वेश्चंस और वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको उन पेपर को अटेम्प्ट करना आसान हो जाए। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।